अभी देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। भाई उस राज गद्दी पर कौन बैठेगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बसपा, सपा या अन्य पार्टी? इसका जवाब आप ही देंगे, यानी कि 23 मई को जब चुनावों का फैसला सुनाया जाएगा तब पता लगेगा कि देश की जनता वहां पर किसे बिठाना चाहती है, देश की जनता क्या चाहती है, इस बारी भी नरेंद्र मोदी ही आए या फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो, वहां उस गद्दी पर वो बैठे देखना चाहते हैं। मगर ऐसे में यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहले चरण के बाद से ही जितनी गर्मी बढ़ चुकी है, जितनी गर्मो गर्मी यहां पर देखी जा रही है कि हर एक नेता अपने गढ़ पर जाकर जनता से तमाम वादे कर रहा है, तमाम चीजें भी कही जा रही हैं। मगर इसी बीच ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई आप जनता को कह रहे हैं, मगर एक जनता और है जिसे हम मुस्लिम जनता कहते हैं। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी का यही मोटिव है कि मुस्लिम जनता की जितनी भी वोटिंग हो वो हमें पड़े, यानी कि कहीं ना कहीं नेता ही देश को दो भागों में बांट रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया भाई, फैसला तो देश की जनता लेगी। मगर ऐसे में हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली के दौरान मुसलमानों को लेकर ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, ऐसी चीजें उन्होंने यहां पर कही हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को गुस्सा जरूर आएगा, मुस्लिम जनता जरूर भड़केगी। हमने यहां पर आपको एक प्रोग्राम के जरिए ये भी दिखाया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की ही रैली में मुस्लिम महिला के साथ क्या हुआ था, मुस्लिम महिला के बुर्का तक उतारने की बात कही जा रही थी। और ऐसे में यहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली के दौरान मुस्लिम लीग को एक वायरस बता दिया है। जी हम यहां पर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे किस तरह से योगी आदित्यनाथ यहां पर तमाम बातों का जिक्र करते दिखे। मगर अगर वही देश की जनता की सोच की बात की जाए कि यहां पर साफ तौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम आबादी का यही कहना है, हम जब रिपोर्टिंग करने पहुंचे या जब जनता के बीच पहुंचे तब साफ तौर पर जितने भी देश की जनता के व्यूज सामने आ रहे थे कि उन्हें ऐसा ही लगता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों की नहीं सुनती है, कांग्रेस मुसलमानों की बात को सुनती भी है और कुछ चीजें भी उन्होंने कही है। वहीं पर योगी का इस तरह से मुस्लिमों को टारगेट करना, आप खुद अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इन दिनों चुनावी रैली में हल्ला बोलते हुए देखे जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर जम के हमला भी कर रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो काफी ज्यादा ही सवालों को भी उठा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 का पहला चरण जहां पर हुआ उसके बाद से देखा जा रहा है कि नेताओं के बीच वो तेजी आते हुए साफ तौर पर देखी जा रही है। हर एक नेता अपने गढ़ में जाकर जनता से तमाम वादे कर रहा है, जनता को मौका तक देने की बात भी कह रहा है। तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा कह डाला जिसे यकीनन सुनने के बाद मुसलमान भड़क जाएंगे। जी हाँ, अगर मुसलमान जनता की बात की जाए तो अक्सर ये कहा गया है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों की नहीं सुनी जाती है। जी हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की बातों को सुनता है मगर बीजेपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुसलमान लीग को लेकर एक ऐसी बात कहते यहाँ पर देखे गए जो वाकई ही शर्मसार है। दरअसल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक कदम आगे जाकर मुस्लिम लीग को एक वायरस बता डाला और कहा कि कांग्रेस पार्टी इससे संक्रमित हो चुकी है, यानी कि मुस्लिम लीग को वो एक वायरस कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही काशीपुर में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए केरल में उनके देश के विभाजन
करने वाले संगठन मुस्लिम लीग के साथ सीक्रेट एजेंडा करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को लेकर काफी खरी और तीखी बातें कही हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट भी जारी किए हैं और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर उन ट्वीट्स को देख रहे हैं। दरअसल एक ट्वीट में मुस्लिम लीग एक वायरस है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, और कहा कि एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया है और वो बच नहीं सकता। और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे प्रभावित हो चुकी है। सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा, ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। यानी कि मुसलमानों को लेकर योगी आदित्यनाथ की रैली में योगी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो वाकई ही शर्मसार है। भाई देश को आप दो हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान इस देश की जनता है और आप यहां पर मुसलमानों को अलग हिंदुओं को अलग बांटते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में आपको राजगद्दी चाहिए, आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की जीत हो, उस राजगद्दी पर योगी या फिर उस राजगद्दी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, मुख्यमंत्री एक बार फिर से यूपी के योगी आदित्यनाथ बने। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भाई मुसलमानों के साथ आप इतना कैसे कर सकते हैं। आप एक जनसभा को संबोधित करते वक्त मुसलमानों को लेकर ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यकीनन ही जनता योगी आदित्यनाथ से इन सवालों के जवाब चाहती है कि भाई किस तरह से उन्होंने रैली में मुस्लिम जनता को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि अगर सोचिए कांग्रेस आ जाएगी तो पूरे देश में मुसलमान ही होंगे।